IVF में क्या क्या सावधानियां रखें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका रीज़न ये है कि पेशेंट IVF में एक प्रोसीजर से गुजरता है जिसको कि ओवम पिकअप कहते हैं, उसको एनेस्थीसिया लगता है, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रहता है। उसके बाद पेशेंट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी रहती हैं, फैमिली की फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है, तो पेशेंट को ऐसा लगना लाजमी है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि बाद में मुझे कोई ये ना कहे कि तुमने ये ध्यान नहीं रखा या तुमने ये सही से नहीं खाया या तुम्हें रेस्ट पे रहना चाहिए था या उसकी गलती की वजह से IVF फेल हो गया। यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस बारे में पूछते हैं कि हम क्या सावधानियाँ रखें। तो उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। आपको दवाइयाँ टाइम से लेनी है, जो जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, इंजेक्शन दवाइयाँ। दूसरा, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको पानी अच्छे से पीना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसके लिए आप अपने आप को बिजी रखिए, आप घर का काम कर सकती हैं। अगर आप घर के काम में हैवी काम नहीं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, भारी बकेट उठाना, ऐसा काम नहीं, पर किचन का स्टैंडिंग काम आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं अपना वर्क। और ऑफिस जाते वक्त तो आप ये ध्यान रखें कि मास्क लगा के रखें, किसी को खांसी बुखार हो तो उसके पास में नहीं बैठें। अगर लिफ्ट का ऑप्शन हो स्टेयर्स के कंपैरिजन में तो लिफ्ट यूज़ करिए, स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपका कोई पैर नहीं फिसले, कोई आपको कुछ नहीं करे, कोई भीड़ नहीं हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और IVF में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेड रेस्ट पे रहने की ज़रूरत है। जो 15 मिनट आपने ईटी के टाइम पे रेस्ट किया वो इनफ है। और ऐसा नहीं होता कि जो एम्ब्रियो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है जो कि आँख से दिखता भी नहीं है। तो उस मामले में आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आपके ऐसा धीरे धीरे चलना या बिल्कुल बेड पे पड़े रहना वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं या लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप चाहे टीवी देखिए, आप मोबाइल देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोगों से बात कर सकती हैं। और आप घर में रूटीन अच्छा माहौल बना के रखें। हस्बैंड और फैमिली से भी मैं ये कहूँगी कि वो पेशेंट को खुश रखें, कोई अननेसेसरी बर्डन ना दे, पेशेंट को ऐसा नहीं लगे कि एग्जाम की तरह नहीं लगे कि मुझे सबकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। हस्बैंड को चाहिए कि वो पेशेंट से बोले कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा भी होगा वो अच्छा ही होगा, वो हमें एक्सेप्टेड है। और हैवी एक्सरसाइजेज जैसे जिम, एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग अगर आप पहले करते थे तो आपको थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है। और स्मोकिंग अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। और बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब कुक हुआ है, कितना हाइजेनिक है, क्या उसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं। और बाहर भी आपको अननेसेसरी नहीं जाना है, कोई काम हो तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज जैसा आपको पता है कोविड इन्फेक्शन, डेंगू इन्फेक्शन या कोई वायरल इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं अननेसेसरी, कोई लूज मोशन, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम नहीं चाहते कि वो हो। और आप डेंगू का सीजन है तो ओडोमॉस लगा के रखिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखिए और रिलैक्स फ्री रहिए बिल्कुल।